नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूपी लाइव अंडर न्यूज चैनल पर। एक नजर डालते हैं खबरों की तरफ। ब्रेकिंग न्यूज, जन अधिकार पार्टी के द्वारा मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष गया प्रसाद कुशवाहा और मोनू कुशवाहा जिला सचिव SDM को सौंपा ज्ञापन। जिला संवाददाता उपेंद्र कुशवाहा की स्पेशल रिपोर्ट। ये ज्ञापन जनअधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा की तरफ से है। यहाँ हमारे देश में किसान पीड़ित है, दिन प्रतिदिन हत्याएं, बलात्कार, सरकार विफल है और सरकार अपने मंत्रियों को नहीं उतरी है। जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार भी हो रहे हैं, किसान बिल्कुल बहुत जर्जर हालत में है, उसको कोई आय का संसाधन नहीं है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये इसके विरोध में हम लोग DM साहब को करीबन 31वां ज्ञापन हमारा ये है, उनको दे रहे हैं ज्ञापन कि आपकी आप इसमें कार्रवाई की जाए। सत्ता के विपरीत ये जा रहे हैं, इनको हमें करना चाहिए। कितनी सूत्री मांगे हैं सर आपकी? हमारी 14 सूत्री हमारे मांगे हैं, जिसमें साफ साफ हमने आप लोगों को भी पूर्व में दे चुके हैं कि नई कृषि नीति को विरोधी है, कालाबाजारी को भी बंद किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र संपत्ति की निजी क्षेत्रों कंपनियों को उद्योग संपत्तियों को क्रेडिट के दामों कौड़ियों के दामों पर बेचा जा रहा है। तीसरा, डीजल पेट्रोल पर दिन प्रतिदिन इनके भाव बढ़ते जा रहे हैं, सरकार इसके ऊपर बिल्कुल कोई लगाम नहीं है और हर सभी राज्य परेशान है इससे। किसान व्यक्तिगत तो किसान परेशान है, छोटे छोटे लघु उद्योग इससे बंधित हो रहे हैं और बहन बेटियों पर हो रहे बिल्कुल पर डे इस उत्तर प्रदेश में तो खास तौर से बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। शोषित वंचित समाज यहाँ से परेशान है, दमंग लोग आए दिन इनके ऊपर साजिश के तहत इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। पिछड़े दल अल्पसंख्यकों के ऊपर